हेलो गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। और आप सब मेरी वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। गाइस ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है क्लासेस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है क्लास और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आज मैंने अपनी पीपीटी में थोड़ा सा चेंज भी किया है, थोड़ी सी चीज़ और ऐड की है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो के एंड में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात कुछ आप लोगों को बताई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट होती है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरी डेली अपडेट आती रहे। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो मैं अपनी पीपीटी स्टार्ट करती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पिरेट्स बे इज लोकेटेड इन। सो ये कहाँ पे लोकेट करता है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट एंटार्क्टिका, सेकेंड इज स्वीडन, थर्ड इज कैनेडा एंड डी इज न्यूजीलैंड। सो आंसर इज एंटार्क्टिका। सो मैं आज आपके लिए दिखाती हूँ, आज मैंने क्या न्यू चेंज किया है। सो आज मैं आपके लिए मैप लेके आई हूँ। सो एक मैप है। सो इसमें देखिए, एंटार्क्टिका के साइड में आपको एक पिरेट्स बे दिख रहा होगा, वो कहाँ पे? देखो, एमवी आइस शेल्फ और अमेरिकन हाईलैंड के बीच में है। सो आई होप आप लोगों ने मेरा ये मैप का जो ये है ये देख लिया होगा। सो इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। सो एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ देती हूँ क्या है इसकी। पिरेट्स बे इज अ डीप एम्बेमेंट ऑफ एंटार्क्टिका बिटवीन लास्ट क्रिस्टन कोस्ट एंड इनग्रीन क्रिस्टन कोस्ट। द लेम्बार्ट ग्लेशियर फ्लोज फ्रॉम लेम्बार्ट ग्रेडन इन टू द इमारी आइस शेल्फ ऑन द साउथ वेस्ट साइड ऑफ द पिरेट्स बे। सो एज वी कैन सी, ये हमारा जो है मैप है, इसमें अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन के नीचे जस्ट आप आओगे एंटार्क्टिका है, फिर उसके बाद एमरी आइस शेल्फ दिख रहा होगा और अमेरिकन आइलैंड के बीच में है पिरेट्स बे। सो आई होप क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नीलगिरी तार। सो इसकी दो स्टेटमेंट दी हुई है, आप लोगों को ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों ही करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज, इट इज ओनली। गाइज अगर ज्यादातर क्वेश्चंस क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस में अगर ओनली ज्यादातर दिखाई देता है तो उसमें क्या होता है कि वो इनकरेक्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चंस। सो अगर आपको ओनली अगर कहीं क्वेश्चन में मिलता है तो उस स्टेटमेंट को दोबारा से रीड कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये नहीं, ओनली एक ही जगह पे एक चीज नहीं हो सकती, सो वो ऑप्शन हमेशा ज्यादातर इनकरेक्ट होता है। सो यहाँ पे एक हेल्प मिल जाती है। सो फर्स्ट जो ऑप्शन है, इट इज ओनली फाउंड इन तमिलनाडु। सेकेंड ऑप्शन इज, इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ या फिर नन। सो आंसर करेक्ट इज बी, यानी कि इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। मैंने बताया था अगर ओनली हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो ऑप्शन होता है वो इनकरेक्ट होता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पढ़ रहे हैं। सो द नीलगिरी तार को हम और भी क्या कह सकते हैं, इसका और एक्सेप्शनल नेम क्या है, नीलगिरिटिस हाइलोक्रियस। सो इट इज एन अनरेगुलेट दैट इज एंडेमिक टू नीलगिरी हिल्स एंड द सदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। सो ये जो नीलगिरी तार है ये केरला में भी मिलता है। सो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है। सो इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। सो IUCN के हिसाब से ये जो नीलगिरी तार है वो इनडेंजर्ड है। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है बट फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो थर्ड आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज GDP एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। इफ GDP ऑफ अ नेशन इंक्रीज, इट नेसेसरी लीड टू इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ ऑल। सेकेंड ऑप्शन इज, एक्सटर्नलिटीज आर द बेनिफिट और हार्म्स दैट अ फार्म और एन इंडिविजुअल कॉज टू अनदर विदाउट बींग पेड और पेनलाइज्ड। थर्ड ऑप्शन इज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इन एन ओपन इकोनॉमी। सो गाइज इसके जो क्वेश्चन हमें पूछा है एक्चुअल में वो ये पूछा है कि इन तीनों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। हमेशा जब भी पेपर आपके सामने आता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सो उसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन दे रखा होता है मेन, वो जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार हमें हमेशा ज्यादातर लगता है करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लेकिन कहीं एक दो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है जिसमें पूछते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो गाइज इनकरेक्ट और करेक्ट जरूर पढ़ना जरूरी है कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट पूछा है। तो ऑप्शंस आर, फर्स्ट ओनली, बी इज 1 and 3 ओनली, सी इज 2 and 3 ओनली एंड डी इज 1, 2, 3 ओनली।
ठीक है। सो हमें ये बताना है कि इन सॉरी चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। सो आंसर इज बी, यानी कि फर्स्ट एंड थ्री ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या था, इफ जीडीपी ऑफ अ नेशन इंक्रीज इट नेसेसरी लीड टू इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ ऑल। सो ये नेसेसरी नहीं है कि भाई अगर जीडीपी ही इंक्रीज हो रहा है तो वो वेलफेयर ही होगा सबके लिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है। और हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन द नेशनल प्रोडक्ट ऑफ कंट्री इन एन ओपन इकोनॉमी। ये गलत है, ऑलवेज की जगह मे भी हो सकता है। सो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। सो फोर्थ क्वेश्चन इज सिरे अकबर इज एसोसिएटेड विद, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज औरंगजेब, सेकंड इज दारा शिकोह, थर्ड ऑप्शन इज जानी बेगम एंड फोर्थ ऑप्शन इज सिपिर शिकोह। सो आंसर इज बी, दैट इज दारा शिकोह। तो दारा शिकोह के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। दारा शिकोह डिवोटेड मच एफर्ट टुवर्ड्स फाइंडिंग अ कॉमन मिनिस्ट्रिकल लैंग्वेज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। जो दारा शिकोह थे उन्होंने ज्यादातर अपना जो एफर्ट डाला है वो ज्यादातर एक कॉमन लैंग्वेज इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच में निकालने की कोशिश की है। टुवर्ड दिस गोल ही कंप्लीटेड द ट्रांसलेशन ऑफ 50 उपनिषद फ्रॉम देयर ओरिजिनल संस्कृत इन टू पर्शियन इन 1657। सो दे कुड बी स्टडीड बाय मुस्लिम स्कॉलर। His translation is often called सरे अकबर द ग्रेट मिस्ट्री। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला आंसर पसंद आया होगा। सो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द विंड विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। सेकेंड ऑप्शन इज द मोस्ट एयर मासिस दैट कॉज विंटर रेन इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। तो इसके हमें क्वेश्चन पूछा गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड है, या फिर बोथ है, या फिर नाइदर है। सो आंसर बी इज करेक्ट, दैट इज द मोइस्ट एयर मासिस दैट कॉज विंटर रेन इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। वेस्टर्लीज फ्लो फ्रॉम लैटिट्यूड 30 to 60 degree नॉर्थ एंड 30 to 60 degree साउथ। सो द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ्स ब्रॉट इट बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन। सो आंसर इज बी। आज के लिए एक बोनस क्वेश्चन है। वैसे मैंने 5 क्वेश्चन डाले थे लास्ट के वीडियोज में, लेकिन आज मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और डाल दिया है। सो इसलिए मैंने आपको बोला था वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती रहती हैं जो टाइम के साथ आपको आगे की आगे पता चलती है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज मेड अर्लिएस्ट। तो हमें इन चार ऑप्शन में से ये बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो पहला ऑप्शन है लिंग राजा टेम्पल एट भुवनेश्वर, बी ऑप्शन इज रॉक कट एंड एलिफेंट एट दौली, सी इज रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम और डी इज वरा इमेज एट युवादिगिरी। सो आंसर इज बी, दैट इज रॉक कट एलिफेंट एट दौली। आई होप आप लोगों को मेरी ये पीपीटी पसंद आई होगी। गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज बनाती रहूँ और कुछ ना कुछ आप लोग भी सीखते रहें। अगर कुछ अच्छा लगे सो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग ये वीडियो को देख सकें और उन्हें भी डेली का अपडेट मिलता रहे। सो हैव अ गुड डे और प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कीजिए। थैंक यू।